यस हुकुम दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, संजोग ऐसा है कि जब कभी उधर से वीरप्पा मोइली जी बोलते हैं तो ठीक उनके बाद मुझे बोलने का अवसर मिलता है। वीरप्पा मोइली जी जब बोल रहे थे तो अंग्रेजी के ना जाने कौन कौन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, मैं तो उतनी अंग्रेजी के उन शब्दों को जानता नहीं, लेकिन उनके भाव को मैं समझ रहा था। आखिर वीरप्पा मोइली जी आप भी ओबीसी समाज के हैं और मैं भी ओबीसी समाज का हूँ। का दुख जाने दुखिया माए, हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान है, एक हिंदुस्तान है गांव का हिंदुस्तान भारत, और दूसरा हिंदुस्तान है जिसको कहते हैं इंडिया। वीरप्पा मोइली जी आप इंडिया से बोल रहे थे और मैं भारत से बोलता हूँ। आप जब बोल रहे थे तो आपकी भाषा और आपकी भावना को हिंदुस्तान के मुट्ठी भर लोगों ने समझा होगा, और मैं जब बोलता हूँ तो मेरा उत्तर प्रदेश बिहार तक के ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली माँ बहन मजदूर किसान सब समझ रहे होंगे। और इस लोकसभा के चैनल से जब बातें प्रसारित होती है तो उन सब तक जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने से पहले एक बार प्रार्थना करूंगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। आपने हिंदुस्तान के उस गर्भिणी माँ के बारे में कभी सोचा नहीं? नहीं, मैं उदाहरण देता हूँ। मैं जिस समय अपने माँ के पेट में था उस समय मेरी माँ को अगर दूध दही मक्खन घी मछली मांस अंडा फ्रूट क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट फल सब्जी भरपेट खाने को मिला होता तो शायद आज भी मेरा रंग रूप कुछ दूसरा हो गया होता। लेकिन चूंकि मैं उस माँ के पेट से जन्म लेके आया हूँ, जिसको भरपेट, जब मैं माँ के पेट में था तो भरपेट भोजन नहीं मिला, आधे पेट खाके सोती थी, और कभी कभी माँ के पेट में भी मुझे भूखा रहना पड़ता था। आपने सोचा? आपके दिल में कभी दर्द हुआ? नहीं नहीं, हम तो जेलों में आपके राज में जेल में जाते थे तो गाते थे, धनवानों के राजमहल हम गरीब को फांसी घर, हम चलो बसाएं नया नगर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने उस माँ के दर्द को समझा और उस गर्भिणी माताओं के लिए 6000 रुपया भोजन के लिए दिया। सुनो मेरी बात को हिंदी भाषी इलाके के लोगों, अगर पिछड़े हो दलित हो गरीब हो मजदूर हो किसान हो गांव की झोपड़ियों में रहने वाले हो, सुनो, अपनी अपनी माताओं तक इस संदेश को पहुंचाओ। 6000 रुपया प्रत्येक गर्भिणी माताओं को भोजन के लिए मिला। डॉक्टर लोहिया इसी लोकसभा में खड़े होकर कहा था, अरे जिस समय मैं 1960 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना उस समय कितने लोगों का जन्म नहीं हुआ था, सावन में जन्मा गीदर भादव आया बाढ़, तो कहा ऐसा बाढ़ जीवन में कभी नहीं देखा। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, और खास करके रंजीत रंजन, मैं उस कोसी के इलाके में घूमा हूं और जितना मेरे शरीर से पसीना गया होगा उतना आज के नौजवान दूध नहीं पीते होंगे। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, सुनिए मेरी बात को,
डॉक्टर लोहिया इसी लोकसभा में श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी को कहा था कि हिंदुस्तान में वो माँ जो गरीबनी माँ है, गर्भ में बच्चे हैं, उनको भरपेट भोजन नहीं, दाल नहीं, प्रोटीन नहीं, विटामिन नहीं, उनको पोषक तत्व नहीं मिलता, इसलिए उनके बच्चे के उनके गर्भ से विकलांग बच्चे, कमजोर बच्चे हिंदुस्तान में पैदा लेते हैं। और जिस देश में माँ के पेट से गरीब मजबूर विकलांग बच्चे पैदा लेंगे, वह देश कभी बलवान नहीं हो सकता है। इसलिए उसके तरफ अगर किसी का ध्यान गया, डॉक्टर लोहिया की उस वाणी को किसी ने सुना तो नरेंद्र मोदी ने सुना। इसलिए डॉक्टर लोहिया के शिष्य होने के नाते मैं नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ये जो योजना के बारे में आप बता रहे हैं, हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है भारत में और डिफरेंट प्रदेश में। उड़ीसा सरकार ने पिछले 5 सालों से ममता योजना शुरू किया और आज जो बजट में आया है ये उसी का ही रिप्लिका है। इससे पहले आ जाना चाहिए था। ममता योजना इज फॉर 5 ईयर्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। ये योजना NHM में नहीं था, दिस इज आफ्टर। सुनिए तो लीजिए, ठीक है, पैदा होना चाहिए। फॉर 5 ईयर्स ओडिशा गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग इट एज ममता योजना। गिव इट अ नेम। जब आप एक तो नाम आप बोलेंगे, आप बोलेंगे तो सुनाएंगे। जरूरी है, हमारे देश में सब सहारन कंट्रीज का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से भी कम है, इसलिए उसको ऊपर उठाना है, इसलिए ये जरूरी था। तो केंद्र सरकार ने कर लिया, पैसा सारे राज्यों को भी जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए कहता हूँ, अभी हम बहस कर रहे हैं केंद्रीय योजना पर, और जब केंद्र सरकार की योजना पर बहस करेंगे तो माननीय मोइनी जी कह रहे थे कि इस सरकार की न दिशा है, न दृष्टि है, न संकल्प है। कहाँ से दिखाई पड़ेगा, खुद अपने को देखिए। इस सरकार की दिशा भी है, दृष्टि भी है और संकल्प है। इसलिए मैं वहीं से शुरू किया हूँ। आपने शुरू किया, आपकी सरकार ने शुरू किया, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अन्य सरकारों ने अगर उस माँ के लिए, बेटी के लिए, महिला के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए कुछ किया है तो सब धन्यवाद के पात्र हैं, उन सबको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली की सरकार की दृष्टि की बात हो रही है। आपकी दृष्टि कहाँ थी, नरेंद्र मोदी की दृष्टि कहाँ है कि नरेंद्र मोदी उस गरीब माँ के पेट से जन्म लेके आया और नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ के गर्भ से ही उस तकलीफ को सहा। इसलिए अब जब प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले कहा हिंदुस्तान के उन माताओं को सशक्त करो, सबल करो, सुदृढ़ करो, मजबूत करो, आर्थिक मानसिक हालत में उनको मजबूत करो, जिससे उनके गर्भ से बच्चे पैदा ले, वो स्वस्थ बच्चे पैदा ले, शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से। और जब माँ मानसिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से सबल और सक्षम बच्चे को पैदा करेंगे तो वही सीमा पर जाके लड़ेगा। और किसान का बेटा सीमा पर लड़ता है, सबसे ज़्यादा मरता है, लेकिन उसके माँ को सबसे कम खाना मिलता था। नरेंद्र मोदी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उन कोटि कोटि माता की ओर से और उनके संतानों की ओर से, कि आपने मेरी माँ का इलाज करने का काम किया है, खुराक देने का काम किया है, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद के अपात्र हो। फिर आपसे मैं आगे की ओर जाऊँगा। आपने कहा दिशा, दृष्टि, संकल्प। क्या वित्त मंत्री जी के उस किताब को नहीं पढ़ा जिस किताब में उन्होंने जो लिखा है प्राथमिकताओं का निर्धारण? अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी वालों ने भी पढ़ा होगा, हिंदी वालों ने भी पढ़ा होगा। मैं इस व्यापक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपने बजट प्रस्तावों को 10 विशिष्ट स्तंभों के अंतर्गत रखने का प्रस्ताव करता हूँ, जिनमें निम्नलिखित शामिल है। नंबर 1 किसान, नंबर 2 ग्रामीण आबादी, नंबर 3 युवा, नंबर 4 गरीब और विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग, नंबर 5 अवसंरचना, नंबर 6 वित्तीय क्षेत्र, नंबर 7 डिजिटल व्यवस्था, नंबर 8 सार्वजनिक सेवा, नंबर 9 विवेक पूर्ण राजकोषीय प्रबंधन, नंबर 10 कर प्रशासन। एक नंबर पर कृषि, दूसरे नंबर पर ग्रामीण विकास, तीसरे नंबर पर युवा, बाकी हिंदुस्तान
तो इसी में समा जाता है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान मिलके बनाए हिंदुस्तान। आपके बजट की प्राथमिकता क्या थी? गांधी जी ने दर्शन दिया था, गांधी दर्शन है नंबर एक कृषि, नंबर दो कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, नंबर तीन है बड़े उद्योग। सरदार पटेल के मरने के बाद आपने उस प्राथमिकता को बदल दिया। फिर मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरदार पटेल के उस दृष्टि को और गांधी की उस दृष्टि को फिर वित्त मंत्री जी ने लाके शुरू किया है कि नंबर एक पर कृषि, नंबर दो पर ग्रामीण विकास, और गांव किसान सबसे ज्यादा पिछड़ा रहा उसका कल्याण करने के लिए योजना में जोर दिया गया है। इसलिए इस भारत सरकार को धन्यवाद। वहां देखिए, वहां देखिए, आप लोगों की दृष्टि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, बात किसी की कर रहे हैं और गीत किसी का गा रहे हैं। अरे गीत गाइएगा, जिसका जिसकी गीत है उसके लिए गाइएगा तो सुनने में मजा आएगा ना। आप तो सुना रहे थे, इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस पर आप सुनिए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदया, यह हमको लंबी लंबी बात सुनाते हैं, ये विषमता किसके समय में आई? मैं किसान हूँ, हमारा जो 51 में 71.9% किसान था, 2001 में 45.1 हो गया, 26.8% किसान कम हो गया। कृषि मजदूर 28.1 था 51 में, 2011 में 54.9 हुआ, 26.08% बढ़ गया। एक तरफ किसान अगर कमता है तो खुशी होती है कि वह खेती से हट के कहीं दूसरे रोजगार में गया होगा, बाबू बना होगा, महल में गया होगा, कुर्सी पर बैठा होगा। लेकिन जब दूसरे तरफ देखता हूं तो 26.8% खेतिहर मजदूर बढ़ा। इसका मतलब जो किसान था उसको ये आपने खेतिहर मजदूर बनाया, जो खेती करने वाला था वो मजदूर बन गया। गांव में रहने वाला 26.8 था, वो घटते घटते गांव के अंदर से कम हो गया, 82.7 से 68.8% कम हुआ। सोचा कि गांव का आदमी कम हुआ है, शहर में गया होगा, अच्छी दुकान बनाया होगा, कारखाना बनाया होगा, बाबू बनाया होगा। और जब दिल्ली में आए, रिक्शा चलाते, ठेला चलाते, फुटपाथ पर सोते, पेड़ के नीचे सोते, सबसे ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो नौजवान आते हैं दिल्ली में रोजगार खोजने, वो आए थे किसान का बेटा बन के, किसी भी जाति का हो, यहाँ रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, मजदूरी करता है, फुटपाथ पर सोता है, पेड़ के नीचे रहता है, एक पेड़ के नीचे जन्मता है, पलता है, बढ़ता है, शादी होती है, दूसरे पेड़ के छाया के नीचे शादी होती है। कोई बड़े लोग हैं, हनीमून बनाने मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं, और वो बेचारे अपना हनीमून उसी पेड़ के छाये के नीचे बनाते हैं। सड़क पर गाड़ी घोड़ा चलता है, गरीब का बच्चा हनीमून बनाता है। आपने कभी सोचा? आपने कभी उनके बारे में सोचा? क्यों नहीं सोचा? इसलिए कि आप जिस वर्ग से आए थे वो वर्ग चरित्र ऐसा था, क्लास करेक्टर आपका ऐसा था, क्या आपने उसके लिए नहीं सोचा? नरेंद्र मोदी जिस वर्ग से आए हैं इनका क्लास करेक्टर वैसा है, इसलिए उस वर्ग की ओर चिंतन करते हैं। ये तो दो भारत का संघर्ष है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने भारत में एक नए विचारधारा के साथ युद्ध को आमंत्रित किया है। न जाने युद्ध का परिणाम क्या होगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, युद्ध का परिणाम निकलेगा, अच्छा निकलेगा, क्योंकि गांव, गरीब, मजदूर, किसान ये सब अब जग गया है, और हिंदुस्तान के 85% लोग श्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े हैं, और हिंदुस्तान के 15% लोग हैं उनके बीच में युद्ध छिड़ा है, आया है, और इसका निराकरण होगा। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, इस पर सोचिए, सोचिए। हम कहते जाएंगे लेकिन आप तो सोचेंगे नहीं। आपने कहा उस दिन मल्लिकार्जुन जी बोल रहे थे तो लघु किसान सीमान की बात कर रहे थे। लघु किसान सीमान, सीमांत किसान, 1990-91 में सीमांत किसानों का प्रतिशत था 59.4%, जो घट करके उसकी वो किसान 90-91 में, और सीमांत किसान का था 18.8। सीमांत किसान 2010-11 में हो गए 59% से बढ़ के 64-65%, और लघु किसान हो गया 18% बढ़कर 18.52%।
ये सीमांत लघु किसान, जितने सीमांत किसान थे वो छोटे लघु लघु सीमांत किसान बन गए, तो 2 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर जमीन वाले 1 हेक्टेयर आधा हेक्टेयर जमीन के किसान बन गए। इसको किसने इस स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया था? इसलिए कम से कम आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसको सोचिए, ठंडे दिल से सोचिए। हाँ साहब, मल्लिकार्जुन साहब, या आप तो जिस पार्टी से आए हैं, हाँ कहिए। मैं आपके भाषण में बड़े गंभीरता के साथ सुनता हूँ हमेशा, क्योंकि आप एक सोशलिस्ट पार्टी के बैकग्राउंड से आए हैं। पैदाइश से तो कांग्रेस से हुई, लेकिन लोहिया जी पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद में सोशलिस्ट बने, वो उनके साथ वो जुड़े हुए थे। अब क्या हो गया है, अब बाल्यावस्था में कांग्रेस थे, जो गृहस्थाश्रम में सोशलिस्ट में रहे, अब संन्यास आश्रम आ गया, बीजेपी के साथ है, तो बात और है। लेकिन बात यह है कि क्या आप ये जो लैंड रिफॉर्म्स ला के सबको, जो टेनेंट्स को जो बांटे गए जमीन है या सरप्लस जमीन जो बांटी गई है, उस सबको क्या है आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं? क्या उनके लिए छोटे जो किसान हैं उनके लिए कुछ मदद करना चाहते हैं? मैं उसको कंसोलिडेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसको फ्रैगमेंटेड भी नहीं करना चाहता। हम अगर एक तरफ वैज्ञानिक मशीनीकृत आधुनिक खेती की बात करेंगे, पहले हल बैल से खेती होती थी, अब ट्रैक्टर से खेती होती है। पहले मजदूर हसुआ से गेहूं काटता था, अब कंबाइन मशीन से गेहूं काटता है। एक तरफ कहते हैं कि वैज्ञानिक खेती करो, मशीनीकृत खेती करो, और दूसरे तरफ जमीन का बंटवारा करो। वो भूमि सुधार नहीं था, भूमि सुधार नहीं था, भूमि का लूट था। भूमि सुधार का मतलब बहुत कुछ होता है, जिस पर आप बहस करेंगे तब हम कर लेंगे। आप इस एक बात सुनिए, अभी आपने कहा, भले आपने लोहिया जी का कहा, अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बेनामी संपत्ति को छीनने के लिए जो कानून बनाया है, और जेटली जी ने उसमें कड़े दंडों का प्रावधान किया है, तो आपने सोचा कि कहां से है? सन 1955 समाजवादी युवक सभा के पूरी सम्मेलन में व्याख्यान देते हुए कांचन मुक्ति पर डॉक्टर लोहिया ने कहा था, अपराधियों के लिए उचित दंड की व्यवस्था रहनी चाहिए, और विशेष रूप से अवैधानिक संपत्तियों को छीन लेने की। किंतु ऐसे कानून बनाने से पहले आवश्यक है कि उसके समर्थन में शक्तिशाली जनमत तैयार हो। नरेंद्र मोदी जी ने जनमत तैयार करने के लिए कई योजनाएं चलाई है कि जिससे वो समता समाज को लाने का काम कर सके और समता समाज भारत में आ सके। बेनामी संपत्ति छीने जाएंगे, किसके छीने जाएंगे? कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विस्तार से कहा था, और फिर कल यही विमुद्रीकरण पर शाम में माननीय जेटली जी अपने प्रतिभा से जवाब दे रहे थे, तो सभी के बाद सब चुप हो गए, किसी की वाणी नहीं निकली, कोई तर्क नहीं निकला। और जब तर्क नहीं निकला तो सदन से चल दिए, कोई बहाना चाहिए? इसलिए आपसे, आप इस पर सोचिए, गौर से सोचिए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मोइली जी, आप इतने आंकड़े उसमें से देते हैं, मैं आंकड़ा नहीं जानता, लेकिन मैं हरियाणा का किसान कहता है, हिसाब यूं का यूं, बता कुनमा डूबा क्यों? हिसाब यूं का यूं, अब बता कुनमा डूबा क्यों? सब हिसाब तो ठीक है आंकड़े आपके, लेकिन हिंदुस्तान के अमीरी गरीबी में फर्क क्यों हुआ? हिंदुस्तान के गांव और शहर में फर्क क्या हुआ? गांव के कृषि और उद्योग में फर्क क्यों हुआ? क्यों हुआ? आपकी नीति के कारण हुआ, आपकी योजना के कारण हुआ। अंकशास्त्री होते हैं आपके, वही अफसर, वही अंकशास्त्री, सब वही हैं, लेकिन आपसे, आप इस बात पर कभी गौर नहीं किया। आपके सब कुछ वही हैं, लेकिन आप एक बात सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर, मैं आपको निकाल के बताना चाहता था कि हिंदुस्तान के अंदर कभी इसी लोकसभा में डॉक्टर लोहिया ने बोलते हुए कहा था, और उसको जरा गौर से समझिएगा, कि उन्होंने कहा था कि जितने हिंदुस्तान में अंकशास्त्री हैं, वो अंकशास्त्री सांप, विषधर सांप के समान है, जैसा बीन बजाओगे
वैसा नाचेगा, अगर बीन बजाना नहीं जानते तो क्या नाचा पाओगे। इसलिए आप जब समझिए कि वही अंकशास्त्री हैं, वही आंकड़ा है, लेकिन उस आंकड़े को आप ठीक से समझ नहीं पाए थे। आपका वो अंकशास्त्री बीन बजाता था, आप नाचते थे। नरेंद्र मोदी में पुरुषार्थ है, परिश्रम है, बुद्धि है, क्षमता है, योग्यता है, कर्मठता है, ईमानदारी है, तेजस्विता है। इसलिए नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से उस आंकड़े को नचा रहा है और हिंदुस्तान के गांव गरीब कल्याण के ओर उसको ले जा रहा है। इसलिए इस बात को सोचना चाहिए, आपके आप जिसका खाते थे उसका गाते थे, नरेंद्र मोदी जिसके गांव गांव में घूम के प्रचारक के हैसियत से या गरीब के हैसियत से जिन गरीबों के अन्न को खाया है, नमक को खाया है, रोटी को खाया है, जिसके घर में सोया है, जमीन पर सोया है, जिसकी चटाई पर सोया है, उसने देखा है। इसलिए नरेंद्र मोदी की दृष्टि उधर है, आपकी दृष्टि उधर थी, इसलिए आपको नहीं पता लगता है दृष्टि क्या है। हाँ हाँ मल्लिकार्जुन साहब, हाँ मल्लिकार्जुन साहब, मैं तो धनी हूँ। आप तो मैं धनी हूँ इसलिए कि मैं जिस संस्कार में पला हूँ, डॉक्टर लोहिया के संस्कार में पला, मैं 1950 का संघ का स्वयंसेवक हूँ, ये भी मैं गर्व के साथ कहता हूँ। मेरे उम्र के स्वयंसेवक अब बिहार में एक माननीय कैलाशपति मिश्र जी थे, अरे रविशंकर जी के पिताजी थे, जो मुझसे सीनियर थे, नहीं तो मुझसे ज़्यादा पुराना स्वयंसेवक बिहार में दूसरा नहीं है। मैं 1950 का स्वयंसेवक रहा, समाजवादी आंदोलन में रहा, लेकिन मेरे गुरु ने सिखाया कि कठपुतली के जैसे नाचना मत। आप जिस जमात में रहे हो उस जमात में पिछड़ों को, दलितों को नेता बनाया गया, लेकिन उनको कठपुतली के जैसे नचाया गया, उनके स्वाभिमान की रक्षा नहीं हुई, उनको कभी नेता बनने नहीं दिया, उनको नेता नहीं बनने दिया। मैं जिस निर्भीकता के साथ अपनी पार्टी के तरफ से बोल रहा हूँ, क्या आप उस निर्भीकता के साथ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। प्लीज लुक एट द चेयर। यस मैडम, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, अब आइए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं एक दो योजना के सामाजिक आर्थिक रक्षा करके खत्म करूंगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अगर मल्लिकार्जुन जी कह रहे थे तो इससे ज्यादा लाभ किसको होगा? हर खेत को पानी, हर हाथ को काम मिलेगा। इससे हर खेत को जब पानी मिलेगा तो पिछड़ों को, दलितों को, कमजोर वर्गों को ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि खेती किसानी वही ज्यादा करता है। उसके खेत में पानी जाएगा, उसके जे खेत में हरियाली आएगी, चेहरे पर लाली आएगी, घर में खुशहाली आएगी, बेटों को पढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा, तब आएगा जब खेत में पानी होगा तब। और आपने योजना बनाई, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, आपने कितनी सिंचाई योजनाएं बनाई। एक पश्चिमी कोसी नहर है मेरे मिथिलांचल में, 1960 में योजना शुरू की गई और आज तक मेरे खेत में पानी नहीं आया, जमीन भी गई, उत्पादन भी गया, उन योजनाएं भी चली गई। वो योजना बनी किस लिए? ऐसी योजना बनाओ जो आगे बढ़ते जाए, कभी योजना पूरी नहीं हो। इंजीनियर, नेता और ठेकेदार तीनों मिलकर के टिकड़ी बनाओ और लूट लूट के खाते रहो, इस योजना को कभी पूरी मत होने दो। क्यों 60 ईस्वी से योजना चलाए पश्चिमी कोसी नहर, आज तक पूरी नहीं? उत्तर प्रदेश की सिंचाई योजनाएं क्यों पूरी नहीं हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है, राज्य सरकारों का सहयोग मिलेगा तो हर खेत को पानी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, चेहरे पर लाली आएगी, घर घर में खुशहाली आएगी, इससे पिछड़े, दलित, गरीब समाज का कल्याण होगा। दूसरी योजना है जो मृदा परीक्षण योजना, भूमि सॉइल हेल्थ कार्ड, आप इतने दिन तक क्यों नहीं सोचे? आपको अंधाधुन जमीन में खाद देते चले गए, इसके लिए समय लगेगा कौशलेंद्र जी, चट मंगनी पट बियाह नहीं होता है। आप लोग तो ऐसे सोचते हैं चट मंगनी पट बियाह, जो मिथिलांचल में कहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर ये 12 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, उसमें मृदा परीक्षण का काम कोई आसान नहीं है। ये युद्ध स्तर पर इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को लैब दिया गया है, उसमें
टेस्टिंग मशीन दिया गया है कि उससे जमीन की मिट्टी की जांच होगी और मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच होगी, उसमें कौन चीज कमी है, यूरिया कम है, नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस कम है, पोटास कम है, जिंक कम है, सल्फेट कम है, क्या कम है, ये जांच करने के बाद और किसान उसके हिसाब से उसमें डालेगा। अब हमारा मेरा बच्चा मेरे जैसा अनपढ़ गंवार नहीं है, अब मेरा पोता मुझसे ज़्यादा होशियार है क्योंकि कंप्यूटर से नेट से निकाल कर सब कुछ को देखता है, आधुनिक खेती करेगा, जब उसके हाथ में ये सब मिलेगा तो मृदा वाला काम उसी तरह है। उसी तरह लघु सीमांत किसानों को ऋण का आपसे मैं प्रार्थना करूं कि ग्रामीण गल्ला गोदाम की योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी, हमसे तो हिसाब मांगते हैं, आप 10 बरस में हिसाब दीजिए ना कितना ग्रामीण गल्ला गोदाम बनाए। इस योजना को ठप कर दिए, कहीं गोदाम नहीं है बिहार में, पैक्स में गोदाम नहीं है, पैक्स किसान का धान नहीं खरीद रहा है, सरकार का रेट है 1350 रुपए क्विंटल, मैं किसान हूँ, अपना 120 क्विंटल धान 1200 रुपए बेच के बिहार में आया हूँ, कहाँ है व्यवस्था बिहार सरकार की। बाकी कहते हैं यही है उत्तर प्रदेश में किसान भटक रहा है, क्यों नहीं व्यवस्था की गई, गल्ला गोदाम क्यों नहीं बनाया गया, इसलिए नहीं बना कि अगर ग्रामीण गल्ला गोदाम बनेगा, पैक्स के अंदर धान खरीदा जाएगा, किसान को ज़्यादा रेट मिलेगा, किसान खुशहाल हो जाएंगे, तो ये मिल चलाने वाले व्यापारी कहाँ जाएंगे। इसलिए किसान का गीत गाते रहो, हम व्यापारियों को लाभ पहुँचाते रहो, किसी का गीत गाओ, किसी को लाभ पहुँचाओ, इस पर जरा सोचिए, आपसे यही कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। आइए भारत सरकार के लिए प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा बैंक की स्थापना की, किसको लाभ मिल रहा है, जितने मिले उसको, जितना मिले उसको कौन दे रहा है, इसलिए आपसे सुनिए गौर करके, ये मुद्रा बैंक से बिना गारंटी के सेल्फ गारंटी पर 10 लाख तक का कर्जा दिया जाता है। आपने कभी इस पर सोचा था क्या कि खुद की जमानत बन के और 10 लाख तक रुपया मिले, ये गरीब लेगा, ये गरीब को मिलेगा, किसान के बेटे को मिलेगा, मजदूर के बेटे को मिलेगा, पिछड़े के बेटे को मिलेगा, दलित के बेटे को मिलेगा, समाज के उपेक्षित उपहासित कमजोर वर्ग को मिलेगा, उसके घर में खुशहाली आएगी। एक कौशल विकास योजना क्या है, चमड़े का काम, लोहे का काम, गिट्टी का काम, मिट्टी का काम, ये काम कौन करता है, ये सभी काम करने वाले हैं पिछड़े और दलित समाज के लोग, उनके कौशल विकास है, उनके हाथ में कौशल है, लेकिन कोई प्रामाणिकता नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने सोचा कि ITI में कहाँ पढ़ने जाएगा, IIT में कहाँ पढ़ने जाएगा, इसलिए गांव गांव में कौशल विकास योजना के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया, 3000 रुपया उनको प्रशिक्षण के समय में मिलेगा और गांव में बैठ करके अपने कौशल की लोगे, उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, राज का मिलेगा, मिस्त्री का मिलेगा, हलवाहा का मिलेगा, कोदारी चलाने का मिलेगा, सब काम ग्रामीण क्षेत्र में करने वाले उन गरीबों को कौशल विकास का प्रमाण पत्र मिलेगा, वो भी एक सर्टिफिकेट जेब में लेके जाएगा, क्योंकि हमको कहा जाता था अनस्किल्ड लेबर हो, किसान अनस्किल्ड लेबर है और बाकी लोग स्किल्ड लेबर हैं। मैं एक बार अपने खेत में हल चला रहा था, मेरे गांव के बगल में डिफेंस का हवाई पट्टी है, जहाज उड़ रहा था, तो मैं रुक गया, मैंने सोचा ये ऊपर से कुछ बोल रहा है हवाई जहाज उड़ाने वाला, तो मैं अपने अंदर से कहा क्या बोल रहा है, तुम यही कह रहा है कि मैं टेक्निकल हूँ, हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ, तू जा हवाई जहाज उतार के आ, मेरा हल का मूठ पकड़ के जोत के बता, हवाई जहाज उड़ाने में, अपना हवाई उड़ाने में मैं नन टेक्निकल हूँ, हल चलाने में तुम नन टेक्निकल हो, दोनों का सौदा बराबर है, तेरी विद्या हम न जाने, मेरी विद्या तुम न जाने। आज किसान की बात करने वाले बड़े बड़े नेता हैं, वीरेंद्र जी उस दिन कह रहे थे कि उनके आगे में गाय या भैंस रख दीजिए, तभी नहीं पता लगेगा दूध आगे से निकलता है कि दूध पीछे से निकलता है, काली भैंस काली गाय में फर्क न करे। अच्छा जाबे जो किसानी की बात करते हैं, हम वो नेता नहीं है जो नाटक करते हैं, सिनेमा में एक हीरो आता है, हल चलाता है, कंधे पर जुआ रखता है, एक तरफ बैल को जोतता है और फटे कपड़े फाड़ के, जिस अच्छे कपड़े को फाड़ के लैला मजनू का खेल करता है, उसी तरह राजनीति में लैला मजनू का खेल है, फटा कपड़ा लेकर मंच पर लोग दिखाते मेरा फटा है, अरे फटा है लेकिन वो क्या दिखा रहे हो, बोलो ना बचपन में क्या फटा था, हम तो बचपन में फटे कपड़े पहने थे,
हम जिस समय थे उस समय यह जीन्स फिंस ये पैंट पतलू नहीं था, हम तो जो अंडर पैंट पहनते हो आप वो डोरी वाला पैंट पहनते थे, अब बोरे की टाट पर बैठते थे, गांव में बैठ के बासी भात खाते थे, जन्म लेते हो राजा घर में, पलते हो रानी के महल्ले में, जाते हो कहीं विदेश में, पढ़ के आते हो कहीं से कहीं और किसी के बारे में आप नाटक करते हो, इसलिए आपसे आप इस बात को समझिए। सभापति महोदय, मैं इस देश के उन लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो आदमी अपने नाटक के द्वारा अपने अपने नाटक के द्वारा अपने भ्रम फैलाते हैं या हिंदुस्तान के गांव गरीब किसान पिछड़ों को ठगना चाहते हैं, अब गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा भी चालाक है, तेज है, पढ़ा लिखा है, लैपटॉप रखता है, कंप्यूटर रखता है, मोबाइल रखता है, वो भी नेट पर सब कुछ को देखता है और एक एक नेता की जन्म से लेके मरण तक की कहानी निकाल के पढ़ लेता है गूगल के मार्फत से, इसलिए हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। आखिर में मैं कहना चाहूँगा, एक एक योजना को लीजिए जो प्रधानमंत्री जी ने गिनाया, वित्त मंत्री जी ने गिनाया, उन सभी योजनाओं को लीजिए। गांव में सड़क बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था, उस समय मैं उनके साथ मंत्री था, क्यों चलाया? गांव में सड़कें नहीं, मैं उसी इलाके में जन्म लिया हूँ सभापति महोदय, कि बाढ़ के समय जब चलता था उसी इलाके से संतोष जी हैं, जब उस कोसी के इलाके में खमला के इलाके में बरसात के समय चलता था, अगर चलना होता था तो 3 किलोमीटर साइकिल चढ़े मुझ पर, 6 किलोमीटर हम चढ़े साइकिल पर, कभी साइकिल मुझ पर, कभी मैं साइकिल पर, क्यों? इसलिए कि सड़कें नहीं थी, काद कीचड़ कादो, और हमारी बेटी शादी करके आती थी भग घुटना कीचड़ में जा करके तब अपने ससुराल जाती थी। ऐसे भारत के दर्द को समझा श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने, समझा उन्होंने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना शुरू की। रुको, गांव की गरीबनी बेटी रुको, पिछड़े दलित की बेटी रुको, अब तुम भी पैदल नहीं जाओगी, तुम भी ससुराल से आओगी, जीप गाड़ी पर बैठ के अपने ससुराल तक जाओगी, तुम अब गरीबनी नहीं हो, तेरे भी भाग्य भविष्य बदलेंगे। 10 बरस आपने राज चलाया, प्रधानमंत्री सड़क योजना को ठप कर दिया, पैसा नहीं है, राज्य सरकारें पैसा मांग रही हैं, बहाना बनाते हैं, ऐसा किया कि 3 बरस की योजना को 1 साल में चालू किया कि थोड़ा थोड़ा ईंट धर दो, कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, शिलान्यास कर दो, ईंटे डाल दो, सड़क बनेगी नहीं, गांव को कहेंगे लोग को एक वोट इसी पर लड़ेंगे, लेकिन गाँव के लोग इतने मूर्ख थोड़े हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 27,000 करोड़ रुपया जो दे रहे हैं और कितना किलोमीटर से अब 113 की 115 किलोमीटर रोज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लक्ष्य रखा है, इससे गांव बदलेगा, गांव में सड़कें जाएगी, गांव की गलियां पक्की होगी। आपने मनरेगा चलाया, मैं कहता हूं सारे पैसे से लेके हमारे गांव की गलियों को पक्कीकरण कर देते, ग्रामीण सड़कों को पक्कीकरण कर देते, हमारे ट्रैक्टर चलाने का रास्ता देते, हमारे मशीन चलाने का रास्ता देते, हमारे मोटरसाइकिल चलाने का रास्ता देते, गांव में गाड़ी जाने का रास्ता बनाते, गांव का कायाकल्प और कल्याण हो जाता। सड़क सबसे ज़्यादा रोजगार और सबसे ज़्यादा विकास का साधन है, आपका ध्यान उस पर क्यों नहीं गया? बात करने से नहीं, काम करके दिखाओ। नरेंद्र मोदी बात में नहीं काम पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जरा इन बातों पर गौर से सोचिए। कहते हैं कि हुआ क्यों नहीं, बताइए साहब, 60 साल तक आप डेढ़ दो साल तक की सरकार, 60 बरस में आपने किया नहीं, कहते इतने दिन में करके दिखाओ। कबीर दास जी ने कहा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। जब योजनाएं चली हैं तो उसमें समय लगेगा, दीर्घकालीन योजना है, कोई 10 बरस में कोई 20 बरस में उसका परिणाम निकलेगा। राष्ट्र निर्माण एक बात है और अपना घर निर्माण, परिवार निर्माण, अपने संतान का निर्माण एक अलग बात है, दोनों की दृष्टि अलग है और दोनों की दिशा अलग होती है। आप जब देखते हैं तो हमारे को क्या देखते हैं? मोइली साहब, आप अपने को देखिए, हमारे ओर मत देखिए,
अपनी अपनी ओर देखिए, दोस्त पराये देख करी चला हसंत हसंत, अपने याद न आ बही जिनका आदि न अंत। दूसरे का दोस्त देखते देखते हंसते हंसते मत चलिए, अपने की गठरी खोलिए, उसमें अपने को झांकिए। आखिर आपने क्या किया जो आप 400 से ऊपर सीट वाले या 44 पर आ गए? सोचिए आप, व्याख्या करिए आप। हम कहां दो पर थे मानी अडवाणी जी हैं, हम कहां दो पर थे अब जाते जाते 280 पर पहुंच गए। आखिर हम में कुछ गुण होगा, काबिलियत होगी, लोगों में लोगों ने विश्वास किया होगा। वोट लूट के नहीं आए, बंदूक के बल पर नहीं आए, लोगों का विश्वास जीत के आए हैं और आज भी भारत के लोगों का विश्वास है। फिर अंत में इतना ही कहूँगा, अंत में इतना ही कहूँगा, नोटबंदी की चर्चा बहुत की है, किसान की बात बहुत की है, कल भी भर दिन चर्चा किए, आज भी उतने बात। ये नोटबंदी है कि हरि कीर्तन है आपका? तो जब जब संकट आए तो भगवान का कीर्तन करो, ढोल बजाओ। इसलिए जब से सुन रहा हूँ कितने दिन से, एक बार रामलीला के मैदान में वो अन्ना हजारे जी ने, अरे कोई नेता है दुनिया भर में ढोल पीटने वाला, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो उसमें कीर्तन करता था और सवेरे से शाम तक ढपट 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 ढोल बजावे, लोग तंग आ गए। तो हम लोग पार्लियामेंट में कहा, अरे किसी तरह ही ढपढपा को बंद करो, किसी तरह बंद करो, ढपढपा बंद कराए। उसी तरह जब से ये 8 तारीख शुरू हुआ, 8 नवंबर से, जब देखिए जिधर देखिए क्या है, नोटबंदी नोटबंदी। किसान को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, गरीब को, मजदूर को, हम तो किसान हैं। 2000 रुपया हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में 2000 रुपया महीना से ज्यादा नकदी किसी किसान के घर का नहीं है। चावल अपना, दाल अपनी, गेहूं अपना, सब्जी अपनी, दूध अपना, दही अपना, हमारे पास पैसा लेके क्या करेंगे? पैसा कूट के खाएंगे? हमको तो 2000 में महीना चलता है, 4000 रुपया का बदली आया कि बदल लो किसी तरह बचा के, 4000, 2000, 5000 रुपया घर में रखे थे, एक दिन में बदल के ले आए और 3 महीना 4 महीना तक घर में, 6 महीना तक खर्चा चलाए। कलेजा फटता है उनका, कलेजा फटता है उनका जो 5 स्टार होटल में जाते थे, राजा रानी रहते थे, उस सूट का किराया एक दिन का 1 लाख 1.5 लाख। एक होटल में मैं गया तो कहा यहाँ एक सूट है उसका 5 लाख एक रात का किराया है। मैंने कहा चल भैया थोड़ा दिखा दे कि उसमें क्या है। मैं गया तो मैं पूछा इसमें रहने वाला मरता है कि नहीं, तो कहा मरता तो सब है। हम कहा जब इसमें भी मरना है तो इसी में आके कहाँ मरेंगे, इतने बड़े घर में भगवान भी डर जाएंगे। इसीलिए उस झोपड़ी में रहने वाले की बात करिए, आप उनकी बात करते हैं जो पैसा खर्चते नहीं हैं, पैसा को फूकते हैं, आप उनकी बात करते हैं जो पैसा खर्च नहीं करते हैं, पैसा को उड़ाते हैं, पैसे को लुटाते हैं। एक बार इसी सदन में चर्चा हुई, इतने पैसे उतने पैसे चर्चा में आई, एक मेरे साथी संजोग से, मैं नाम नहीं कहूँगा, वो बड़े हैं, एक दिन उनके पास गए तो वो बोतल निकाल के पीने लगे। हमने कहा कौन शरबत है, तो उन्होंने कहा बिलायती है, विदेशी। हम कहा विदेश में भी शरबत बनता है, इसकी कितनी कीमत है? तो 45,000। मैं दिमाग में जोड़ने लगा, बाप रे बाप, 45,000 का शरबत तो जीवन में नहीं पी पाएंगे ये एक बोतल। तो आपको उनकी चिंता है जो 45,000 के बोतल का शरबत पीते हैं, उनका क्या होगा? अरे उनका क्या होगा, बहुत मौज उड़ाए हो, बहुत मस्ती किए हो, देश का खजाना लूटे हो, लुटवाए हो, बांट करके खाए हो, नरेंद्र मोदी आएगा, ऐसा ताला लगाएगा कि सबका दिवाला निकल जाएगा, गांव गरीब किसान मजदूर खुशहाल और अमीर बन जाएगा, उसके बेटे के चेहरे पर लाली आएगी, उनके घर में खुशहाली आएगी। इसलिए इसलिए ठीक बात है, ठीक बात है। कल्याण जी आप मेरी बात न समझेंगे, क्योंकि आप तो अच्छे वकील हैं, आप तो अच्छे वकील हैं ना? हाँ, जो ज्यादा पैसा देगा उसका बहस करते हैं, आप वकील हैं उसके, जो ज्यादा फीस देगा उसकी बहस करेंगे, कागज भी ना पूछेंगे उसने क्राइम किया है कि नहीं किया है, प्लीज रुक कर देखिए। मैं
मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहता हूं, एक बात, हिंदुस्तान के गांव गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्प, जितने लोग हैं सबके लिए किया। अंत में मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। उस सब में कौन नहीं है? हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गरीब है, अमीर है, पिछड़ा है, दलित है, सबका साथ सबका विकास। खेत में पानी, सबके खेत में पानी, हर हाथ को काम, सबके हाथ के काम, हर हर के चेहरे पर लाली, सबके चेहरे पर लाली, हर गरीबी गर्भवती माता को 6,000 रुपया, सबके घर में 6,000 रुपया, कोई भेद नहीं है किसी जात के लिए, न अल्पसंख्यक है न बहुसंख्यक है, हिंदुस्तान एक समान है। इसलिए समदृष्टि रखिए, सबके लिए बराबर का काम करिए, सब भारत उठेगा, भारत शक्तिशाली बनेगा, और भारत मजबूत, और भारत जितना शक्तिशाली बनेगा, देश शक्तिशाली और मजबूत बनेगा। हमारा हिस्सा ज़्यादा आएगा जब सबका बेटा नौकरी पाएगा, तो सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के भी हम नौकरी पाएंगे क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है। दलित ज्यादा नौकरी पाएगा क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है। जब सबका विकास होगा उसमें मेरी हिस्सेदारी ज्यादा होगी, जब सबका कल्याण होगा मेरी हिस्सेदारी ज्यादा होगी। इसलिए उस दृष्टिकोण से हम सोचते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की योजना ने हिंदुस्तान में आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तन, ये सब की ओर जो आगे बढ़ रहे हैं, इसी से हिंदुस्तान का कल्याण होने वाला है। इसीलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, नरेंद्र मोदी की रक्षा करिए। अगर कोई संकट आवे तो हम लोगों पर थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई संकट नहीं आवे। वो गांव गरीब किसान का नयन का तारा है, हृदय का, दिल का धड़कन है, उसकी रक्षा आप करना, जिससे वो आगे कुछ करके दिखाएंगे। धन्यवाद।